प्रोजेक्ट क्वेश्चन टू कूल क्वेश्चन टू स्लोप, ये सारी चीजें। कम होगा तो प्लस होगा, कम रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। तो अभी तक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी, अनदर वीडियो अनदर सेशन ऑफ सर्विंग, है ना। वेलकम टू RRB-JE 2024 गतिशील सीरीज एंड वी ऑल वेलकम to you this video. Coming to the next important slide for you all, for your career, for your everything. 777 का कोर्स है, CBT1 plus CBT2 सब कुछ कवर है यहाँ पे। आप चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिए, एंड कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज गेट एकेडमी के कॉल सेंटर पे कॉल करो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 29 अगस्त था, आई होप कि अब चला गया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ बातें हो रही हैं। बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, प्लेन एंड ज्योडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स लाइक नेचर ऑफ सर्वे हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे हो गया, इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, एनी एंगल लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर 100 ABC A+B+C अगर 540 से कम है, ठीक है। स्फेरिकल एंगल की, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप, स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज स्केल क्या होता है, श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन क्या है, इसके बारे में बात किया था हमने। टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में हमने बात की कि डायगोनल स्केल है, ग्राफिकल स्केल है, वर्नियर स्केल है, राइट। वर्नियर स्केल मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। टाइप्स ऑफ वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर है, रेट्रोग्रेड वर्नियर है, एक्सटेंडेड वर्नियर है, इनके बारे में हमने बात करी थी। चेन सर्वेइंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। चेनिंग, मेन स्टेशन, बेस लाइन क्या होता है, टाई लाइन को हम लोग सब्स्टिट्यूट लाइन बोलते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। चेक लाइन या प्रूफ लाइन क्या होता है, ठीक है, क्या फर्क है, तो क्या है भाई ये, मतलब टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क और ऑफसेट लाइन, ठीक है। चेनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू चेन क्या होता है, गंटर चेन क्या होता है, इंजीनियरिंग चेन क्या होता है। मेट्रिक चेन में 20 मीटर होती है, 30 मीटर होती है, 20 मीटर का जो एरर लिमिट होता है वो ±5 mm होता है, और 30 मीटर वाले का ±8 mm होता है। 100 लिंक इसमें होते हैं, 150 लिंक उसमें होते हैं। इनवर्ट टेप, स्टील, मेटालिक, ISM, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ISM लाइन है, तो ये आप याद कर लो। इसमें 36% निकल होता है एंड 64% स्टील होता है। चेनिंग में हम लोग क्या क्या एक्सेसरी यूज करते हैं, पेग्स, एरो एंड रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, राइट। चेनिंग हैज 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, पिछले क्लास में हमने अच्छे से देखा इसको। टेप करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू MSL, हाइपोटेन्यूसल अलाउंस, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, करेक्शन ड्यू टू पुल, del L = L α delta t, करेक्शन ड्यू टू पुल Pm - P0 L/A, करेक्शन ड्यू टू स्लोप C = h² - h²/2L, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू MSL, हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। एरर इन चेनिंग क्या क्या होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर होता है, क्यूमुलेटिव एरर होता है। एरर, मिस्टेक और ब्लंडर में क्या क्या फर्क होता है। ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, रिवर, बिल्डिंग एंड लेक्स, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, हिल एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब तक हमने डिस्कस करी। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पूछ लिया जाता है कि राइट एंगल मेजरमेंट हम लोग किस किस चीजों से करते हैं। क्रॉस स्टाफ होता है हमारे पास, ऑप्टिकल, इसका ऑप्टिकल स्टाफ होता है, स्क्वायर सॉरी, एंड प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस स्टाफ में भी दो भाग होते हैं, दो चीजें, दो होता है। एक होता है इसमें ओपन क्रॉस स्टाफ एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आपको पता होने चाहिए इन द केस ऑफ चेनिंग, राइट। और इसमें एक अगर हम लोग कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए चेनिंग में तो वो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट चेनिंग, यहाँ तक हमने चेनिंग के बारे में बात करी। कि चेनिंग में ये चीजें होती हैं, ये इस चीजों को ऐसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चेनिंग, मेन स्टेशन, बेस लाइन, टाइल लाइन फॉर शॉर्ट डिटेलिंग, चेक लाइन और प्रूफ लाइन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क लाइक दिस, ऑफसेट हो गया। रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मेट्रिक चेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मैंने आपको ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ऐसे भी। ठीक है, स्टील टेप, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या, रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये सारी चीजें, इन सारों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल मेजरमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं, क्रॉस स्टाफ होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, प्रिज्म स्क्वायर होता है, इन सब का प्रिंसिपल भी आता है। किन प्रिंसिपल पे ये काम करता है, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वेइंग में। 2-3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहेंगे ही। बियरिंग, यानी इसको सर्वेइंग एंगल को, एंगल मेजरमेंट को सर्वेइंग की भाषा में बियरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है बियरिंग? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। सपोज ये लाइन है और इससे मेजर कर रहे हैं हम लोग कोई एंगल, तो दिस इज कॉल्ड बियरिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत तरह की बियरिंग्स होती हैं। डिटेल लेक्चर आपको अगर पाना है डिटेल कॉन्सेप्ट, तो यू कैन गो टू आवर कोर्स। ट्रू बियरिंग, ओके, ट्रू बियरिंग भी है, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में क्या फर्क है? ट्रू बियरिंग इज मेजर फ्रॉम ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक बियरिंग इज मेजर फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग में क्या फर्क है। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एजीमूथ क्या होता है, ये पता होना चाहिए। एजीमूथ क्या होता है, ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको ये जानने की जरूरत है होल सर्कल बेरिंग क्या होता है। पूछ लेगा कि कन्वर्ट होल सर्कल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग। राइट, होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो इन सारे के बीच में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंपास यूज करते हैं, कौन सा इसमें कंपास, जैसे इसमें प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। राइट, सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, पूछ ली जाएगी। प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं और इसमें सर्वेयर कंपास यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है? इसके बारे में कि फोर बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग क्या होता है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में क्या होता है, कब हम लोग करते हैं, तो इसका एक बेसिक सा फंडा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है गाइस, तो वो 180 डिग्री होता है, सबको पता होगा। ये पूछ ली जाएगा डायरेक्ट, बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब होगा, जब पॉजिटिव तब होगा जब वेन फोर बेरिंग 180 से कम होगा तो प्लस होगा, कम रहेगा तो प्लस होगा, ज्यादा रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। वेस्टेड, इसमें दो प्रकार के डिक्लाइनेशन होते हैं, एक वेस्ट डिक्लाइनेशन और एक ईस्ट डिक्लाइनेशन। वेस्ट डिक्लाइनेशन एंड वन ईस्ट डिक्लाइनेशन। ओके, एक फंडामेंटल सा फॉर्मूला है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू ईस्ट के केस में पॉजिटिव होता है और वेस्ट के केस में नेगेटिव होता है। तो इसको आप लोग याद करना। चलिए थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं। टी बी इज इक्वल टू एम बी प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, है ना। अब आते हैं हम लोग की वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो अभी तक हमने ये जाना कि क्या होता है। अच्छा, वेस्ट डिक्लाइनेशन क्या होता है? जब मैग्नेटिक बेरिंग से, जब ट्रू नॉर्थ से या फिर कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। बहुत तरह के, चार तरह के वेरिएशंस होते हैं। ट्रू बीरिंग तो देखिए फिक्स रहेगा, वो ट्रू नॉर्थ है, उसमें तो कोई, उसमें कोई शिफ्ट नहीं होती है। शिफ्ट होता है हमारा मैग्नेटिक बीरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक बीरिंग कह लो, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कह लो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। आप लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते होंगे तो इसमें ये चीज बहुत पूछा जाता है। सेकुलर वेरिएशन होता है, क्या फर्क है दोनों में? सेकुलर वेरिएशन हो गया, दूसरा एनुअल वेरिएशन हो गया। तीसरा डायर्नल वेरिएशन हो गया। चौथा इर्रेगुलर वेरिएशन हो गया। तो ये बेसिकली चार तरह के वेरिएशंस हो गए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं डिप की। व्हाट इज डिप? सारा इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा, आपका पेपर हल्का चला जाएगा। केवल लाइफ में केवल तैयारी थोड़ी ही करनी है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है ना। तो एक डेडिकेटेड समय के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने से एग्जाम तुरंत निकल जाता है। ठीक है, तो डीप क्या होता है? एनी एंगल मेड बाय लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइन होती है वो अर्थ सरफेस से जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड डीप, राइट। तो इसका एसोसिएशन क्या होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इक्वाटर पे डीप क्या होता है? तो जीरो होता है। पोल पे क्या होता है? डीप नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आइसोगोनिक एगोनिक क्या होता है? एंड आइसोक्लिनिक और ए क्लिनिक क्या होता है? ठीक है, जिसमें आइसो रहेगा वो तो आपको पता होता है कि आइसो इज फॉर सेम, आइसो बार, आइसो प्लेथ, आइसो टोप्स, तो आइसो आइसो जिसमें भी आता है इसमें सेम होता है, राइट। और जिसमें भी ए आ गया है वो जीरो हो जाएगा, ए आ गया है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो डिप हो गया यहाँ पे, जीरो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब इसको कैसे याद करोगे, जीरो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, देखो यहां जी है यहां जी है तो ये काम बन गया, ठीक है। एगोनिक है एगोनिक है तो यहाँ जी है, और एक क्लिनिक में क्या है जीरो डिप हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया सेम, आइसो क्लिनिक में सेम डिप हो गई, आइसो इज फॉर सेम डिप, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। जी यहाँ पे जी है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की बात हो जाएगी, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ओके। ये डायरेक्ट सवाल है, पूछ लेते हैं। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस। एंड इसके बाद आपको प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास के पीछे काफी डिटेलिंग्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंस यू आर मेजरिंग एन एंगल, और जब एंगल मेजर कर रहे हो तो वेरियस टाइप से कंपास भी होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा कंपास यूज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो क्वाड्रेंटल बीयरिंग है उसमें सर्वेयर कंपास का यूज करते हैं, और जो होर सर्कल बीयरिंग है उसमें प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों का ही आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बहुत बहुत एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा आपका यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि आपका बेस्ड ऑन वेरियस वेरियस, जैसे कि यहाँ पे ट्राइपॉड होता है कि नहीं होता है, राइट। ट्राइपॉड होता है कि नहीं होता है, आपका वेन्स होता है कि नहीं होता है, आपकी आई स्लिट होती है कि नहीं होती है, रीडिंग कंपास है कि क्या है ना, रीडिंग सिस्टम क्या होते हैं इसमें, रीडिंग सिस्टम क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग क्या होता है कि नहीं है, इसमें किस तरह का है, ब्रॉड निडिल है कि पॉइंट कन्वेक्स पॉइंट आउट निडिल है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, बिना इसके भी पेपर नहीं बनता है आपका, लोकल अट्रैक्शन। होता क्या है कि जब आप कंपास लेके एक किसी भी मैग्नेटिक एरिया में और क्या कहते हैं एक आयरन जोन में चल रहे होते हो, तो कंपास में तो मैग्नेट रहेगा ही, बिना कंपास के बिना मैग्नेट के तो वो दिशा तो बता नहीं पाएगा। तो क्या करेगा वो कि वो डिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसे केस में डिफ्लेक्शन के साथ जो एरर के साथ वो रीडिंग बताएगा, वो रीडिंग को ही हम लोग लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। हमने पहले डिस्कस कर चुका है यहाँ पे कि जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग होगी तो उसका डिफरेंस 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब नहीं होता है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि जब फोर बेरिंग इफ डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग and back bearing is not equal to 180 degree, then local attraction prevails. ठीक है, तब local attraction आता है। If difference between forward bearing and back bearing is not equal to 180 degree, then local attraction आता है। तो इसको आपको बढ़िया से पढ़ाई करना होगा इसके बारे में कि क्या होता है इसके बारे में, प्रेजेंस ऑफ लोकल एट आइदर एक एंड से हो सकता है या दोनों एंड से हो सकता है, एक एंड से या फिर दोनों एंड से, मतलब दो स्टेशन से। ठीक है, तो इसको आपको बढ़िया से आपको अकाउंट करना है कि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि कौन कौन से मेथड से आपको कैसे उसको लोकल अट्रैक्शन को, हाउ टू कंपनसेट लोकल अट्रैक्शन, ये पता होना चाहिए। हालांकि जेई में तो इतना नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है हाउ टू कंपनसेट लोकल अट्रैक्शन, तो इसके बारे में एक न्यूमेरिकल होता है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी तक तो हमने बात की थी। आइए इसमें प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक नीडल जिसमें ग्रेजुएटेड रिंग है इसमें, और एक बहुत बहुत तो ये तो बेसिस हो गया एज इन, और भी बहुत सारा डेफिनेशन है, ये तो मैं बहुत छोटा लिखवा रहा हूँ। जैसे इसमें ट्राइपॉड होता है, तो इसमें क्या होगा कि नो ट्राइपॉड, नो ट्राइपॉड रिक्वायर्ड, नो नॉट रिक्वायर्ड ट्राइपॉड, और सर्वेयर कंपास पे रिक्वायर्ड होता है ट्राइपॉड। इसकी फोटो भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेन के साथ क्या है, कंसिस्ट ऑफ आई वेन विथ मेटल वेन रहता है विद लार्ज स्लिट। और उसमें सर्वेयर कंपास में क्या रहता है, स्मॉल वेन विद स्मॉल स्लिट। रीडिंग सिस्टम यहाँ पे क्या रहता है, प्रिज्म के साथ देखते हैं विद द फ्रॉम द आई वेन। इसको हम लोग डायरेक्ट वॉच कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, जो ग्रेजुएटेड रिंग रहेगी उसमें, इसमें 360 डिग्री तक बना रहेगा, और इसमें साउथ ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वाड्रेंटल वाला। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि सर्वेइंग इज फॉर क्वाड्रेंटल, तो यहाँ पे क्वाड्रेंटल वाला सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे WCB वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इसमें कैसे रहती है, ब्रॉड नीडल रहती है इसमें, और इसमें एज बार टाइप रहता है। ओके, सो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्राइपॉड हो गया, वेन हो गया, रीडिंग सिस्टम हो गया, ग्रेजुएट, ये तो बहुत कम है, आपको और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डीप आपको पता चला कि मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनाती हैं एंगल विद फॉर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसको हम लोग डीप बोलते हैं। आइसोगोनिक एंडेगोनिक के बारे में आपको बढ़िया से पता चल गया, जहाँ जी है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन टीबी इज इक्वल टू एम बी प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में हमने डिस्कस करा। ठीक है, सेकुलर वेरिएशन हो गया, एनुअल वेरिएशन हो गया। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है पूछ लेता है, एनुअल वेरिएशन क्या हो गया पूछ लिया, डायर्नल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने बियरिंग के बारे में बात की, एंड इसके बारे में हम तो राइट एंगल मेजरमेंट ये सब तो कर ही रहे थे। तो चलिए इसी के साथ लोकल अट्रैक्शन खत्म हो गया हमारा, और बियरिंग इसी के साथ लगभग यही सब ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से काउंट करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको याद करनी है। एंड ठीक है, मिलते हैं सर्वेइंग के अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए।